पश्चिम बंगाल में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन के आरंभ से लेकर नामांकन वापस लेने तक जारी रही हिंसा। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या सिर्फ 22 सीआरपीएफ के कंपनियों से राज्य में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं? यही प्रश्न राज्य की आम जनता से लेकर राजनीतिक कर्मियों तक की है। पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक हिंसा ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव सिन्हा ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के लिए नामांकन की घोषणा 9 जून को की और 9 जून से लेकर नामांकन वापस लेने की तारीख 20 जून तक यानी 12 से 15 दिनों में ही राजनीतिक हिंसा में 8 लोगों की जानें चली गई और अभी चुनाव होने बाकी हैं। केवल मात्र नामांकन को केंद्र कर हुई हिंसा में सत्ता दल टीएमसी, विरोधी दल बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, आईएसएफ सभी राजनीतिक दलों के कर्मियों की जाने नामांकन को केंद्र कर हिंसा में गई। सबसे आश्चर्य की बात है कि स्वयं राज्य की सत्ता दल टीएमसी के 3 कर्मियों की मौत नामांकन को केंद्र कर हुए हिंसा में गई। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ में ही तृणमूल कांग्रेस के 2 और 1 आईएसएफ कर्मी की मौत हो गई। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में 2 सीपीएम कर्मी की, मुर्शिदाबाद के खड़ग्राम में 1 कांग्रेस कर्मी की हत्या हो गई एवं कूचबिहार जिले के दिनहाटा में 1 बीजेपी कर्मी की हत्या हुई। यानी सभी राजनीतिक दलों को इस चुनावी हिंसा के कारण अपने अपने कर्मियों की जान गंवानी पड़ी और इसके बाद भी नहीं थमा राजनीतिक हिंसा का सिलसिला। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर सबसे अधिक हिंसा मुर्शिदाबाद जिले के रानीनगर के डोमकल, दक्षिण 24 परगना के भांगड़, उत्तर 24 परगना जिले के चोपड़ा इस्लामपुर में घटी। भांगड़ में स्वयं आईएसएफ के 1 एवं तृणमूल कांग्रेस के 2 कर्मियों की जान नामांकन को केंद्र कर बमबाजी, गोलीबारी और आगजनी में गई। इतनी हिंसा के बावजूद भी राज्य निर्वाचन कमीशन को लगता है कि केवल मात्र 2,200 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों से राज्य के 22 जिलों में पंचायत चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से करवाए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन कमीशन पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती में चुनाव न कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट गए, जहां पर ममता सरकार और चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई गई। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मांग तो कर रही है, पर संख्या इतनी कम मांग रही है कि जिससे हिंसा मुक्त चुनाव करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा, क्योंकि प्रति जिले में 1 कंपनी यानी 80 से 100 जवानों को लेकर हिंसा मुक्त वोट करवाना महज एक मजाक साबित होगा। अब देखना यह है कि आगामी 8 जुलाई को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राज्य के मुख्य चुनाव आयोग केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की संख्या बढ़ाएगी या फिर 22 जिलों में 2,200 अर्धसैनिक बलों की तैनाती में ही चुनाव करवाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এবার আপনার স্বপ্নের নীড় আপনার হাতের মুঠে নিয়ে এলো কৃষ্ণম ডেভেলপার্স। 24 ঘন্টায় থাকছে ওয়াটার, ইলেকট্রিক ও লিফট ফ্যাসিলিটিস, এছাড়াও পার্কিং স্পেস, সিসিটিভি সার্ভেলেন্স, চারিদিক খোলা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সহ সমস্ত রকমের সুবিধাযুক্ত 2BHK, 3BHK ফ্ল্যাট। এখানে আপনি পাবেন একেবারে উচিত দামে। রয়েছে ব্যাংক লোন ফ্যাসিলিটিসও। রানীগঞ্জের লাইফলাইন NSP রোড ও NH2 থেকে মাত্র 600 মিটার দূরত্বে গড়ে উঠছে এই অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট। বুকিং এর জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে। কৃষ্ণম ডেভেলপার, সুরমাপাড়া, বাঁশরা রোড, রানীগঞ্জ। মোবাইল নম্বর 9832196051, 9775776019।